हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद माला मैम। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी, ओके? उसमें हमने जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम, इसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। तो हमने इस नियम इस लॉ को कर लिया था, इसके न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था, ओके? तो इस वीडियो में हमें करना है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है? तो आइए जानते हैं कि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम होता क्या है। तो रासायनिक यौगिकों में उनके अव्ययी तत्व भार के दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, ठीक है? इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है? तो सब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? वैसे तो नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी रिएक्टेंट और जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर या निश्चित होता है, ठीक है? एग्जांपल के लिए हम देखते हैं इनका जो रेशियो जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कोयले को वायु में जलाकर बना कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे प्रयोग में देखते हैं तो चूने पत्थर को गर्म करने पर, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप देख सकते हैं कि दोनों तो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग विधियों द्वारा हुआ है, ठीक है? लेकिन इनका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, क्योंकि कार्बन का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12 और इसका हो जाएगा 32, ठीक है? इसका एटॉमिक वेट और इसका जो है 16 होता है, 16 × 32। अगर हम इस विधि से भी देखें तो इनका भी जो है वो रेशियो सेम रहेगा। तो यही है हमारा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम पानी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पानी कहीं से भी प्राप्त करें, ठीक है, विभिन्न स्थानों से, चाहे वो नदी हो, झरना हो, कुआं हो, ठीक है, सबको अगर हम लेते हैं, उनके सारे नमूनों को एकत्रित करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हमें उनमें जो H2 और O2 का जो रेशियो होता है, ठीक है, H2O है, ठीक है, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो सिंपल अनुपात में रहेगा 2:16, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 1:8 भी कह सकते हैं, चाहे ये जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ हो, इनका अनुपात समान होगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है? कोई भी जो कंपाउंड है उनका अनुपात जो होता है वो समान होता है, चाहे वो किसी तरीके से बनाया गया हो, किसी तरीके से उसकी उत्पत्ति हो, अगर वो वही कंपाउंड है तो उनका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड को 2 अलग-अलग विधियों से बनाया गया, लेकिन उनका जो अनुपात था कार्बन और ऑक्सीजन का वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। उसी तरीके से हम जल का देख लेते हैं, जल को हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा नियम था। अब हम इसके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पे है, आप पहले उसको रीड, मैं आपको रीड करके समझा देती हूँ, फिर हम उसको उसका सॉल्व करेंगे। 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को, ठीक है, 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को हाइड्रोजन के प्रवाह में गर्म करने पर 1.098 ग्राम तांबा बचा, ठीक है? मतलब हम इतना कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को जो हाइड्रोजन के प्रवाह में क्या किए, हीट किए, तो इतना हमको क्या मिल गया, कॉपर मिल गया है। लेकिन दूसरे प्रयोग में, अब यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे प्रयोग की बात हो रही है। दूसरे प्रयोग में 1.179 ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में विलय करने पर भी
कॉपर नाइट्रेट बनाया गया, ठीक है, दोनों प्रयोग हुए, दोनों में कॉपर ना जो है बना। फिर जो कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हुआ उसको हम बर्न किए और फिर क्या बनाए, क्यूप्रिक एसिड बनाए, जिसका क्यूप्रिक एसिड का जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना मिला हमको, 1.476, ठीक है। अब दशाओं की इन परिणामी से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है, लेकिन जो है अब हम देखते हैं, ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या था। तो पहले प्रयोग के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, 1.375 ग्राम, ठीक है, 1.375 ग्राम था ये, हम यहाँ से हम देख सकते हैं पहले प्रयोग में, ठीक है, क्वेश्चन में ये हमको दिया हुआ है। फिर अब हम पहले जो हमको दिया होता है आपको पता है, हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं जब अपचयन हुआ उसके बाद कॉपर का द्रव्यमान कितना बच गया, कितना हो गया था अपचयन के बाद, अपचयन से बने कॉपर का द्रव्यमान देखते हैं, ठीक है। तो कॉपर का द्रव्यमान जब अपचयन हो गया था तब कितना हो गया था, उसका द्रव्यमान जो हो गया था वो 1.098 ग्राम हो गया था, ठीक है। ये तो हमारी हो गई पहले प्रयोग की बातें। अब हमें आप देख सकते हैं इसको क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ना, पहले प्रयोग में, ठीक है, कॉपर का इतना मात्रा था और बना कितना था, इतना था, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब हम निकालते हैं कॉपर ऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा निकालते हैं, ठीक है, तो प्रतिशत निकालते हैं। उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे, CuO में कॉपर तांबे की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, जो तांबे की प्रतिशत मात्रा हम इसको यहाँ से निकालते हैं। तो जो हमारा जो द्रव्यमान था, ठीक है, कॉपर का द्रव्यमान 1.098, ठीक है, और जो हमारा कितना था उसका द्रव्यमान, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड का जो द्रव्यमान था 1.375, ठीक है, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाता है हमारा 100, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी आती है, 79.86 आती है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ का क्या जो है ऑक्सीजन की मात्रा हम निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा देख लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा देख लेते हैं तब कितना जो हो जाएगा, 100 में हम क्या करेंगे, 79.86 को घटा देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, 20.14 जो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहले प्रयोग में कॉपर की मात्रा निकल गई। अब हमको क्या करना है, दूसरे प्रयोग में क्या करना है, कॉपर की मात्रा निकालना है। तो अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रयोग में क्या क्या बोला गया है वो देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन से। तो दूसरे प्रयोग में कॉपर का द्रव्यमान कितना है देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे प्रयोग में भी कॉपर का द्रव्यमान कितना है, 1.179 है, ठीक है। और उसके बाद कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाया गया जिसका द्रव्यमान 1.476 ग्राम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दूसरे प्रयोग में दोनों का द्रव्यमान हमको पता है और हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं कॉपर का द्रव्यमान, लिए गए प्रयोग में कॉपर का द्रव्यमान, तो कॉपर का जो द्रव्यमान है वो कितना है यहाँ पे, 1.179 ग्राम। उसके बाद हम देखते हैं प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान, 1.476 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड में तांबे का प्रतिशत निकालते हैं, तांबे की प्रतिशत मात्रा 1.179 × 100 और जो हमारा इसका द्रव्यमान 1, आखिर में हमारा आ रहा है 79.89, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा इसमें भी, और इसमें ऑक्सीजन का निकाल रहते हैं, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा 100 माइनस 79.89 तो आ जाएगा 20.11, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉपर किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो लेकिन उसका द्रव्यमान वही आया है, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान उसी तरीके से आया है, दोनों का जो है वो सेम है। तो यह जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है ये क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।